टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग के लिए शुक्रवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य टीकमगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिले की टीकमगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के समर्थन में बड़ा गांव धसान में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस का मतलब विकास नहीं बर्बादी है, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का मतलब कुशासन है, कांग्रेस का मतलब पहले तो योजना बनाओ नहीं, यदि बना लो तो किसान गरीब महिलाओं के नाम पर उसे लूट कर खा जाओ, यह आचरण रहा है। कांग्रेस का यहाँ बैठे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, जब कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में थी तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं वहाँ पहुँचते तक सिर्फ 15 पैसा बचता है, और तमाम बातें कही हैं, क्या कहा यह आप उन्हीं की जुबानी सुने। कांग्रेस की यही स्थिति है कि चोरी भी करो और सीधा चोरी भी करो। ये राहुल गांधी जी के अलावा राजीव गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार में संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम योजना बनाते हैं 100 रुपए की देते हैं 15 रुपया 85 रुपया खा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है उसको भ्रष्टाचार की बात करने की कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हर तीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया। आज मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है। जबरदस्त रिस्पॉन्स, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब धनतेरस के त्यौहार के दिन सभा स्थल का कोई हिस्सा एक इंच खाली नहीं है तो यह संदेश है कि कमल के फूल से ईवीएम मशीन से भी जगह खाली नहीं बचेगी, यही संदेश है। सर, चित्रकूट विधानसभा के दौरान कहा कहते हैं कि किसानों के लिए प्रशासन ने 16,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? वो लिखा हुआ भाषण पढ़ती है, सोशल मीडिया में बहुत सारा कुछ चलता है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी, और उनको ये पता ही नहीं किसानों के लिए 12,000 सम्मान निधि के रूप में जा रहा है, और उनको ये पता ही नहीं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, उनको ये पता ही नहीं हर गरीब को दोनों समय भोजन की कमी ना हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, उनको ये पता ही नहीं लाडली बहने योजना के अंतर्गत 1,250 रुपये धनतेरस की शुभकामना के रूप में बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में पहुँच गया है। वो लिखा भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको जमीनी हकीकत का ABCD नहीं मालूम है। और कांग्रेस वैसे भी तो भारत बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में पता नहीं कैसे इतने बचे थे, इस बार उनको जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक में से केवल कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 80 सांसद में से केवल 1 सांसद हैं। 2023 हो चाहे 2024 हो, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी। 2024 में इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगा कि गठबंधन बनने से पहले टूट गया है, मैं एक ही बात कहता हूँ, 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है, एक हमारा मोदी अपना इस ठगबंधन पर भारी। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को मध्य प्रदेश। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड 24/7 के संवाददाता टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।